अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। आई होप कि आप सब अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने घर में महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अमरनाथ की वीडियो जो लीक हुई है उसको काफ़ी चर्चे में है और अमरनाथ के ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो की जा रही है। और जाहिर सी बात है, ऐसा काम हुआ है तो लोग तनकीद करेंगे ही। अच्छा, अगर हम कुछ साल बैक जाएँ, जब मोहसिन के साथ शादी हुई थी, इनकी निकाह हुआ था अमरनाथ का, तो उस वक्त भी ये बहुत तनकीद का शिकार हुई थी, क्योंकि ये मोहसिन के साथ बैठ के लोगों की हंसी उड़ाती थी और उनका मजाक बनाती थी, तो लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे। लेकिन जितना इनके ऊपर तनकीद की जाती थी, ये उतना ही लोगों को चिढ़ाती थी और उस तरह से कर दिखाती थी। उसके बाद फिर जब इनकी सेकंड मैरिज हुई, उस वक्त भी ये काफ़ी इनके ऊपर बातें हुई, काफ़ी सारी वीडियो बनी, और हनीमून के वक्त भी इनके ऊपर काफ़ी वीडियो बनी, इनको बहुत कुछ बोला गया, क्योंकि कुछ इन्होंने ऐसा ऐसा चीज़ दिखाया कि जो नहीं काबिल थी दिखाने के। अच्छा, वो हो गया। फिर अभी जो वीडियो इनकी लीक हुई है, तो गलती से तो नहीं कहेंगे कि हाँ गलती से इनकी वीडियो लीक हो गई है, क्योंकि जब वॉइस ओवर भी इंसान करता है तो वो एक एक सीन को देखकर वॉइस ओवर करता है, एक एक जो भी उसने कैप्चर किया है उसको देखकर ही वॉइस ओवर किया जाता है। और इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई समझ में नहीं आता है। अच्छा, यहाँ पे शमाना आंटी के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है अपने चैनल के पीछे और बहुत मेहनत के साथ वो आगे बढ़ी हैं। उन्होंने कभी इस तरह की हरकतें नहीं की हैं, और बल्कि खुद भी नहीं, अपने बच्चों को भी लेकर वो आगे आई हैं, लेकिन इस तरह की हरकत करके, और मतलब औरत की जो इज्जत होती बिल्कुल कांच की तरह होती, एक बार गई तो फिर गई। अच्छा, यहाँ पे ना देखा गया है कि जितने भी ब्लॉगर हैं, अगर उनके ऊपर आप तनकीद करो तो वो और ज़्यादा मज़ीद उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, उस चीज़ को दिखाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि जिस चीज़ को दिखाएंगे तो उनको व्यूज़ और डॉलर आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लोग उनकी वीडियो को आकर वॉच करेंगे। तो ये उनका समझिए कि पैतरा हो जाता है इस तरह से व्यूज़ लेने का। तो बस अमरनाथ भी इसी चक्कर में फंसी हैं और उन्होंने ये हरकत की है। तो यहाँ पे शमाना आंटी के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मतलब इस तरह से उन्होंने कभी भी व्यूज़ लेने की कोशिश नहीं की है। अच्छा, गुड़िया भी यहाँ पे काफ़ी नाराज़ दिखी हैं, गुड़िया भी काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि गुड़िया भी, मुझे लगता है कि वो भी ऐसी हरकत नहीं करती हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से वो आती हैं, अपने सर को ढाँक कर आती हैं, अपने बदन को ढाँक कर आती हैं। तो यहाँ पर अमरनाथ की हरकत से सारे शर्मिंदा हैं और उनको आके सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, अब जिनके पास भी ये वीडियो है ना, वो उनको चाहिए कि इस वीडियो को डिलीट करें और सोशल मीडिया पे इस वीडियो को गर्दिश नहीं करें, क्योंकि किसी के इज्जत का सवाल है तो एक औरत, तो इसलिए आप सबको ये सोचना चाहिए कि आप इस वीडियो को इतना वायरल ना कर दें कि शर्मिंदगी महसूस हो। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।